एनडीए सरकार की तैयारी है, शपथ की बारी है और इस बीच टीडीपी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। टीडीपी ने, तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने 6 बड़े मंत्रालयों की मांग कर दी है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। टीडीपी की ओर से स्पीकर के पद पर भी दावा ठोक दिया गया है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। हर बात पर हमारा रुख लचीला है, ये भी हालांकि टीडीपी की तरफ से कहा जा रहा है। ये खबर जो है वो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि टीडीपी ने अपना रुख लचीला रखा है, लेकिन जो मांग टीडीपी की तरफ से की जा रही है, 6 बड़े मंत्रालयों पर दाव है, स्पीकर के पद पर दाव है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, बताइए, ये जो रुख लचीला रखा हुआ है, मतलब मांग रहे हैं 6 मंत्रालय और स्पीकर का पद, लेकिन अगर नहीं मिलता तो भी कोई बात नहीं, रहेंगे एनडीए के साथ ही, यही संदेश दिया जा रहा है? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा रोमाना। उनका साफ है, टीडीपी ने साफ कर रखा है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू कल प्रधानमंत्री से मिले, उनकी मुलाकात पीयूष गोयल से हुई और उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट कह दिया है कि वो एनडीए के साथ है। लेकिन इस दौरान, इन मीटिंग के दौरान, ख़ास तौर पे टीडीपी ने आप ये बता दिया है, ये इन्फॉर्म कर दिया है बीजेपी की लीडरशिप को कि उनको 6 की पोर्टफोलियो चाहिए जो उनके स्टेट के, आंध्र प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। हालांकि उन्होंने ये भी ऐड किया है, उन्होंने ये भी कहा है कि हम लचीले हैं अपने इस डिमांड पर, 6 मंत्रालय तो हमें चाहिए, की पोर्टफोलियोज़ हैं, उसमें से कितने की पोर्टफोलियोज़ उनको मिलेंगे, कितने एमओएस या छोटे जो मंत्रालय माने जाते हैं वो उनके हिस्से आएंगे, लेकिन 6 जो संख्या है, आधा दर्जन मंत्रालय की मांग उन्होंने, टीडीपी ने साफ तौर पे बीजेपी की लीडरशिप को जता दी है, बता दी है। और कल पीयूष गोयल से भी आपको याद होगा कि हमने रिपोर्ट किया कैसे मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री S7LKM की मीटिंग के बाद सीधे चंद्रबाबू नायडू 50 अशोका रोड, जहां वो रुके हुए थे, वहां आने के बजाय वो सीधे पीयूष गोयल के पास पहुंचे, पीयूष गोयल से मुलाकात हुई। उसके बाद उस मुलाकात में, करीब आधे घंटे के से ज़्यादा की लंबी मुलाकात में, अलग अलग राजनीतिक पहलुओं पर बात हुई, स्टेट से रिलेटेड बात हुई, अलायंस से रिलेटेड बात हुई। और उसके बाद जब 50 अशोका रोड पहुँचे चंद्रबाबू नायडू, तो उन्होंने हमसे भी बात की, ऑफ रिकॉर्ड बात थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये ऑफ रिकॉर्ड बातचीत है। और उन्होंने जो राज्य के जो भविष्य की योजनाएं हैं चंद्रबाबू नायडू की, क्योंकि वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर लौट रहे हैं आंध्र प्रदेश में और काफ़ी मैसिव विक्ट्री मिली है उनको, तो वो राज्य को लेकर और राज्य की राजनीति को लेकर ज़्यादा कंसर्न है, राज्य को कैसे ज़्यादा फायदा में पहुँचे, राज्य में उनकी सरकार को कैसे ज़्यादा मदद केंद्र सरकार से मिले, इस पर उनका फोकस है। स्पीकर पद एक ऐसा दावा है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो टीडीपी चाहती है। गौरतलब है कि पहले भी एनडीए के साथ टीडीपी जब थी तो जीएमसी बालियोगी, पहले दलित स्पीकर टीडीपी के से आए थे और वो स्पीकर बने थे। अभी जो राममोहन नायडू हैं, स्वर्गीय अच्युत नायडू के बहुत बड़े कद्दावर टीडीपी के नेता रहे, सांसद रहे, अच्युत नायडू के बेटे हैं, 2 बार के सांसद हैं राममोहन नायडू, और उनके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद उनको स्पीकर पद, अगर टीडीपी के हिस्से स्पीकर पद आती है तो वो उनको मिल सकता है, उनके लिए कंसीडर किया जा सकता है। तो जाहिर तौर पे टीडीपी ने अपनी डिमांड आगे बता दी है बीजेपी की लीडरशिप को। अब ये देखना होगा कि बीजेपी की लीडरशिप इन डिमांड्स को कैसे निगोशिएट करती है, कितना आगे पीछे होता है और क्या संख्या जो है फाइनल नंबर्स मिनिस्ट्री के अंदर या स्पीकर चेयर पे क्या टीडीपी के हिस्से आता है। लेकिन टीडीपी ने अपनी मांग बता दी है, उन्होंने ये भी ऐड कर दिया है कि हम लचीले हैं इस डिमांड के ऊपर। बहुत शुक्रिया पूरी तस्वीर दर्शकों के सामने रखने के लिए आशीष। और आइए जरा गेस्ट से रिएक्शन लेते हैं हम। राजेश बादल जी, ये टीडीपी की मांग 6 मंत्रालय चाहिए हमको और साथ ही स्पीकर का पद चाहिए हमको, लेकिन हमारा रुख लचीला भी है, आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? देखिए, जो मेरी अपनी सूचना है उसमें स्पीकर के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है वो गृह का उन्होंने मांगा है। अच्छा। और होम उन्हें मालूम है कि आसानी से बीजेपी देने वाली है नहीं, तो उन्होंने जो लचीला शब्द का इस्तेमाल किया है वो ये है कि गृह अगर नहीं तो स्पीकर, फिर स्पीकर तो मांग ही रहे हैं। हाँ। स्पीकर, क्योंकि देखिए क्या है, हो सकता है कि मतलब उन्होंने 2 ऐसी चीजों की डिमांड कर दी है कि लचीला हम यहाँ पर अपना रुख दिखा देंगे, कि एक नहीं तो कम से कम एक तो दे दो।
वो एक दिखने के लिए तो ये है कि एक दे दो, हाँ। लेकिन वो सत्ता में उस स्थान पर उस बिंदु पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं जहां पर कई बार सरकार के अस्तित्व को चुनौती दी जाती है, ठीक है। तो इसलिए वो स्पीकर चाहेंगे, चाहे भले ही उस साल में एक बार नौबत आए, हाँ। लेकिन स्पीकर पर वो अपनी पकड़ बना के रखना चाहते हैं, हाँ। तो स्पीकर तो छोड़ेंगे नहीं वो, हाँ। और दूसरी चीज गृह के जब नहीं मिलेगा तो जो मेरी जानकारी है उसमें साइंस टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर होम और इंडस्ट्री बाकी एक दो छोटे डिपार्टमेंट है। राखी जी मैं यही बात आपको कह रही थी, हालांकि स्पीकर वाली बात इन्होंने कह दी और ये देखना जरूरी होगा कि आखिर इतना फोकस क्यों है कि स्पीकर का पद मिले और जैसा ये कह भी रहे थे कि अब वो स्पीकर की भूमिका जो है वर्तमान में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, हाल के दिनों में भी हमने जो देखा है। तो इसलिए चंद्रबाबू नायडू जो बहुत मुझे थोड़े समय पहले सब बहुत ऑब्जर्व करते रहे हैं, बहुत चीज़ें उन्होंने खुद भी सही हैं, इसको देखते हुए वो चाह रहे हैं कि स्पीकर का पोस्ट, दूसरा जैसे सही कहा कि इस तरह की इंडस्ट्री टेक इंडस्ट्री की भी मैं बात कर रही हूँ वो भी उस पर भी उनकी नजर है क्योंकि उनका कल जो बयान आया था राकेश शुक्ला जी चंद्रबाबू नायडू का उसमें वो कह रहे थे साहब मैं भी अनुभवी राजनेता हूँ, इस तरीके से उन्होंने अपनी जवाब की शुरुआत की थी और ये अनुभव ही दिखाता है उनका कि वो स्पीकर का पद भी मांग रहे हैं और 6 अहम मंत्रालयों की मांग भी कर रहे हैं। देखिए जितना ज्यादा आप मांगेंगे तो कम से कम मिलने की गुंजाइश रहेगी, तो इसलिए उनकी तरफ से 6 इसलिए मांगा गया कि यदि वो नहीं मांगेंगे तो मनमाना दिया जाएगा कि आप ये रख लीजिए। जहाँ तक बड़े पोर्टफोलियो की बात है तो यदि आप यूपीए गवर्नमेंट को 4 से 14 का कार्यकाल देखें तो रक्षा मंत्रालय गृह मंत्रालय ये ऐसे मंत्रालय हैं जो मूल पार्टी अपने पास रखती है, तो मुझे नहीं लगता कि गृह रक्षा वित्त जैसा मंत्रालय वो सहयोगियों को देंगे। ठीक है विजय जी, मतलब सीसीएस में एंट्री सहयोगियों को मिले आपको उसके कितने चांसेस लग रहे हैं और 4:1 वाला जो आप कह रहे थे अमूमन फॉर्मूला अप्लाई होता है, इनकी तो मांग ही 6 मंत्रालय मांग रहे हैं, ये एक स्पीकर पद मांग रहे हैं, किसने आपको बताया है या हमारे सोर्सेज को कि भी 6 मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? वो बातचीत एक इस तरह से की जाती है ताकि एक ये माहौल बने कि भी ये सारा चल रहा है और 6 मांग भी रहे हैं तो उनको पता कि कितनी उनको, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी ताकत का एहसास होता है, वो बाहर किस तरह से माहौल बना रही है वो अलग चीज़ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि CCS का कोई भी पद मतलब मंत्रालय जो बीजेपी है वो किसी सहयोगी दल को देगी, जिसका मतलब गृह मंत्रालय रक्षा मंत्रालय विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, ये चारों में से कोई पद कोई मंत्रालय किसी दूसरे को नहीं मिलेगा और स्पीकर के लिए भी मुझे बहुत कम संभावना लगती है कि वो किसी दूसरे सहयोगी दल को दे। जी कुर्बान साहब देखिए ये अब वाजपेयी जी के ज़माने में जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे, उनकी पार्टी के नहीं थे, अब वो स्थिति नहीं है जो यूपीए में कांग्रेस पार्टी ने ये काम किया था कि सीसीएस में किसी सहयोगी दल को नहीं आने देना है और 10 साल तक उन्होंने जो सरकार चलाई हालांकि वो गठबंधन सरकार थी लेकिन उसमें कोई सहयोगी दल नहीं था। नरेंद्र मोदी साहब की भी पहली ख्वाहिश तो यही होगी कि CCS में कोई सहयोगी ना आए, लेकिन अब वो उस स्थिति में है नहीं क्योंकि हार्ड बार्गेनिंग हो रही है। नहीं, और ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि देखिए किस तरीके से अटल जी के समय में CCS के अंदर जॉर्ज फर्नांडिस की भूमिका थी लेकिन उसके बाद जो गठबंधन सरकार यूपीए ने चलाई उसमें CCS में किसी सहयोगी को जगह नहीं दी गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।